बोला इसी कमीने से लिखा ड्रामा
अब आप सुनो भैया वाला क्यों सुनाता रहता जब हम टेलीविजन सुनते हैं। ये पढ़ेगी बेटा, तुमने बाप हूँ तुम्हारा, मैं ही हूँ जिनकी वजह से दुनिया में तुम हो। हाँ आए हो, समझ गए ना, यही है जिनकी वजह से तुम हो। नहीं नहीं, हो सकता है अब्बा भी बेकसूर हो। ये है क्या, हाथ में जोड़ पैसे जोड़ कमीने। हाँ हाँ बोले, जो तुम जिस चक्कर में लगे हो ना, उन लड़कियों से शादी के चक्कर में, ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा बाबू, जायदाद से याद कर दूंगा। आप क्या चाहते हो, शादी होगी मेरी पसंद की लड़कियों से। नहीं अब्बा, कोई पुरानी गांव की लड़कियां लेके आ जाओगे, ऐसी लड़कियों की नहीं चाहिए अब्बा। हम देखे स्मार्ट बच्चे, मेरी पसंद की लड़की तो शादी होगी वरना नहीं होगी। माता जी, अरे क्या हो पिताजी, बेटे मैं खड़ा खड़ा बंबई नहीं पहुंची है। अरे मैं कह रहा हूँ लड़कियां मैंने पसंद कर दी है। अच्छा, मेरे साइज की होगी, मेरे बहन की होगी, पढ़ी लिखी। ये तो अच्छी बात है, वहाँ पढ़ी लिखी होनी, पढ़ी लिखी औरतें, लड़कियां मॉडर्न स्टाइलिश चले तो लगा चले कुछ जा रही है, चले तो पता चले कुछ जा रही है, आए तो लगा पता लगे कोई आ रही है। अब्बा है ना, रात को कपड़े पहन के नर्सरी पे खड़ा होता है। तेरे जैसे बंदे ना मोटरसाइकिल पर रोक के पूछते हैं कहाँ जाना है, आगे से मैं बोलता हूँ कहीं भी ले चलो, अभी क्या करवा रहे हो कभी ना मुझसे। अब्बा मैंने तुम्हें बचपन से उल्लू के पट्टों, तुम्हें मैंने माँ का प्यार भी दिया, बाप का प्यार भी दिया, नहीं बाबू का प्यार भी दिया, अब्बू का प्यार भी दिया, अब्बू मुझे रोज आ जा दोस्तों की तरह पाला, सर पे चढ़ गया, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। शादी मेरी पसंद की लड़कियों से होगी वरना नहीं होगी, जायदाद त्याग कर दूंगा मैं। बस सही कह रहे हैं अब्बा, बस हाँ ठीक है अब्बा, चला जाओ। मैं तुझे बोल रहा हूँ, तू जाता क्यों नहीं है भाई, बोल रहे तुम लोग जा क्यों नहीं रहे हो, अजीब मैं अभी तक खड़ा हुआ, तू देख लिया मैं। चला गया।